नमस्कार दोस्तों, जय माता की। स्वागत है आपका लता पाठक ब्लॉग में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो शुरुआत की जाए आज के दिन की। और दोस्तों, आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश आने वाली हो रही है। 3-4 दिन से बहुत गर्मी हो रही थी, बादल लगे, चार ओर से बारिश आती है, बादल भी गरज रहे हैं। मैं भी अंदर सामान रख गई थी, कोई पता नहीं बारिश का। मैंने तो मशीन में कपड़े डाले थे, कुत्तों के दरी वरी सब जो थी गंदी हो रही थी सब धोने के लिए डालिए, पर मौसम ख़राब हो गया तो ऐसे में कहाँ धुलेंगे। जैसे ही होली से निपटे तो सोचा थोड़ा घर का काम कर लेती हूँ, तो अब ये मौसम ऐसा हो गया, बारिश की वजह से काम भी नहीं हो पा रहा है। और दोस्तों, प्रिया भी जाने वाली है। प्रिया का आया का पता नहीं लगा, पहले तो वह बीमार ही थी, 2 दिन तेरा ठीक हुई तो एक दिन हल्द्वानी चले गई, एक दिन अपने दोस्त के यहाँ चले गई, बस टाइम का पता नहीं है उसका। और कल को जाने वाली है तो समय का बिल्कुल पता नहीं लगा। पिछली बार भी आई थी तो पहले पिछली बार आई थी ठीक थी, फिर यहाँ आते ही बीमार पड़ गई। इस बार तो खैर वहीं से बीमार थी, तो कल को उसको भी जाना तो आज था, तो मैंने उससे बोला आज रुक जा, कल चले जाना, तो कल को भी चले जाएगी। 2-4 दिन उसके आने से घर में रौनक जैसी हो रही थी, तो अब वही चले जाती है, तो फिर हम लोगों को फिर वही अकेले रहना है। बारिश आती है बहुत जल्दी, बूंदाबांदी हो रही है, तो मैं तख्त रख देती हूँ, कुत्तों का तख्त हला रखे थे धोने के लिए, पर मौसम को देख के अब लग नहीं रहा मैं कपड़े धो पाऊँगी। अब फिलहाल पहले इनका तख्त अंदर रख दूँ। बाहर शुरू हो गई है बारिश, आ गई अब बारिश। अब थोड़ा मौसम ठंडा हो जाएगा, गर्मी भी बहुत हो रही थी तो सोच ही रही थी कि बारिश हो जाए, चलो जरा बारिश आएगी, पर बारिश ज़्यादा देर की नहीं क्योंकि मौसम खुलने वाला भी लग रहा है। 2-3 दिन से गर्मी भी बहुत हो गई थी तो मौसम बहुत 2-3 दिन से इतना गर्म हो रहा था, लग रहा था कि बारिश आएगी, पर बारिश ज़्यादा देर की नहीं है, थोड़ी देर की है क्योंकि मौसम ऐसा लग रहा है ऐसा खुलेगा। यहाँ नहीं तो कहीं और तो होगी बारिश, पर फिलहाल यहाँ भी आई रही है अभी। वह मौसम बहुत ख़राब हो रहा था, काला हो रहा था, ऐसा लग रहा था कितनी बारिश आई है। अभी देखो मौसम साफ हो गया है, हल्की सी बारिश आई, कपड़े धो दिए, बाकी अभी मशीन में है। फिलहाल मैं अभी अपना अस्पताल का काम कर लेती हूँ, खाना बना दिया है, और प्रिया अभी हल्द्वानी गई है, तो प्रिया के आने तक तब मैं अपनी रिपोर्ट बना लूँ। अमेजोन से सूट मंगाया, पहले मंगाए थे 2 सूट, तो वो सूट मेरी पसंद के नहीं आए, जो मंगाए थे वो नहीं आए, दूसरे आ गए थे तो चेंज कर दिया। अभी आज और मंगा रखा है। अब देखो, पहले बार तो मूड ख़राब हो गया, अब देखो इस बार क्या होता है। पहले बार तो 2 बार मेरा मूड ख़राब हो गया, तीसरी बार देखती हूँ कैसा आया है, देखा जाए अब के बार कैसा है। कपड़ा तो ठीक लग रहा है इसका, उसमें अच्छा लग रहा था, ऐसे तो अच्छा नहीं लग रहा है, सूटे ये सही लग रहा है। इसका तो सही लग रहा है, ये तो तब भी सही है, इस बार के सूट तो सही आ गए जरा, बाकी प्रिया को पसंद आते नहीं आते, प्रिया आएगी देखेगी। सूट तो फिलहाल कोई खास लग नहीं रहा, अभी प्रिया को दिखाती हूँ, प्रिया को पसंद आएंगे तो रखूँगी, अगर प्रिया को पसंद नहीं आएंगे तो फिर रिटर्न डाल दूँगी। प्रिया लेके आ रही है अपने लिए सामान, नमकीन के 2 पैकेट लाई है, 1 पैकेट मेरे लिए लाई है, 2 अपने लिए लाई है, नमकीन लाई है और क्या चने लाई है। प्रिया की जाने की तैयारी जोर शोर से हो रही है। तो प्रिया बिस्कुट तो नहीं लाई तू मेरे लिए? मेरे लिए बिस्कुट प्रिया ही लाती है प्रिया, अब नहीं अब रात को नहीं रहने दे, अब रहने दे, बच्चों को पढ़ा के आने के बाद थोड़ी देर, सुभाष राधा और बगल वाली दीदी सब लोग आए थे तो हम बैठे थे, थोड़ी देर बैठे, प्रिया भी अभी बाजार को गई है सामान लेने अपने लिए, तो कल को उसने जाना तो अपने जाने की तैयारी कर रही, जो जो उसे सामान चाहिए वो लेने गई है। तो मैंने कहा चलो मैं भी अब अपने काम फटाफट निपटाऊँ, खाना बनाऊँ, फिर शाम को टाइम मिलेगा तो उसके लिए सेम बनानी है, भुजिया बनानी है। भुजिया भी अभी दोस्तों बीच में बनाई मैंने थोड़ी बहुत भुजिया, तो वो ख़त्म हो गई थी तो उसके वहाँ ले जाने के लिए बना नहीं पाई। एक तो क्या हुआ, प्रिया बीमार पड़ गई तो मेरे बस का हुआ नहीं, और बीच में थोड़ी बहुत जो भुजिया बनाई थी वो भी शोभा ने मेरी हेल्प कर दी थी। तो अब प्रिया अब सही है तो बोली रात को बनाएंगे, मैंने कहा ठीक है, वीडियो का भी टाइम नहीं मिलता तो वीडियो भी डालना मुश्किल हो जाएगा। किचन में जाती हूँ, किचन का हाल सही करती हूँ, खाना वाना बनाती हूँ, बर्तन वर्तन जो धोने वो धोती हूँ, उसके बाद फिर अपना काम में लग जाती हूँ। अभी कह रही प्रिया मुझे सुबह जल्दी जाना, 8 बजे मैं निकल लूँगी, मैंने कहा ठीक है। पिछली बार तो दिन में गई थी 12 बजे तक, तो आराम से मैंने कर दिया था काम,
आज सुबह को जल्दी जाना था, मुझे भी हो रही जितनी जल्दी मैं काम निपटा दूँ, थोड़ा बहुत उसके लिए कुछ बना दूँ। सोच तो रही थी यही बनाऊंगी पर टाइम ही नहीं मिल पाया। रात के बज गए 11, अभी बना खाना बना के आई हूँ और अभी खाया नहीं है। और सोच तो बहुत कुछ रही थी बनाने की पर टाइम ही नहीं मिल पाया। सेम भी अब बना रही है रात को, अभी गुजिया भी बनानी है, गुजिया भी नहीं बनाई है, जो बनाई थी वो बट गई है, तो इसके लिए अभी वो करनी है। तो मैंने प्रिया से कहा मैं फटाफट सेम बनाती हूँ, तू बर्तन वर्तन धो दे। उसने कहा ठीक है, अभी बर्तनों का ढेर है। तो प्रिया बर्तन मल लिया है, मेरे बननी सेम, तो दोनों भाई माँ बेटी ने किचन का काम निपटाया, तो ये गुजिया बना लेती हूँ। गुजिया तो ऐसा है दोस्तों, बना के रख दूँगी, सुबह को जल्दी उठ के तल दूँगी, क्योंकि अभी थक भी गई हूँ बहुत। और क्योंकि टाइम आपको बताऊँगी तो आप भी हंसोगे, रात के 12 बज गए हैं। फिर कल मिलते हैं, तो आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करती हूँ। कल फिर मुलाकात करूँगी आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तो आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा? अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताएं। गुड नाइट दोस्तों, शुभ रात्रि, धन्यवाद।